नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका फिर से हमारे एक और नए धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ही होंगे और ठीक ही रहना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, जैसे कि मैंने पार्ट वन बनाया है डेटॉल साबुन के ऊपर कि डेटॉल साबुन से नहाने से हमें कौन कौन से फायदे देखने को मिलते हैं, कौन से ऐसे जो बेनिफिट हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन आपको डेटॉल साबुन का आप इस्तेमाल करते हो तो आपको अनोखे तरह के बेनिफिट देखने को मिलते हैं। लेकिन साथ ही में आप लोग कुछ ऐसे कमेंट छोड़ रहे थे, आप लोग ने पूछा कि भाई अगर हम डेटॉल साबुन को रेगुलरली रूप से अगर हम अपने फेस पे इस्तेमाल करते हैं तो हमें किस तरह की क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्या हमें उससे किसी तरह का बेनिफिट होगा। तो दोस्तों मैंने इस तरह के टॉपिक पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की, बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठी की अलग अलग डॉक्टरों से मिलकर और गूगल पे खुद अपने आप से पर्सनल एक्सपीरियंस लेके ये मैं वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर तक पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आपको डेटॉल साबुन से नहाने से या अगर आप फेस पर लगाते हो रेगुलर रूप से सुबह या सोते वक्त तो आपको बेनिफिट होगा, और कौन कौन सा अगर बेनिफिट होंगे तो वो भी कौन कौन से होंगे या आपको नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको इस वीडियो में पूरी अच्छी तरह से डेटॉल साबुन का बेनिफिट या नेगेटिव देखना है तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और डिमांडिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई हमेशा की तरह से आपके भाई की एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप भाई को पहली बार देख रहे हो, पहली बार आप भाई के चैनल पर, तो चैनल को जो रेड कलर का बटन दिख रहा है भाई उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है इस चैनल के ऊपर। और अगर आपकी कोई भी डिमांड है, कोई भी आपके मन में सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम जानते हैं कि अगर आप डेटॉल साबुन का इस्तेमाल करते हैं अपने फेस के ऊपर तो आपको फर्स्ट ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिससे आपको नेगेटिव असर देखने को मिलेगा या उसका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। मैं आपको वीडियो में स्टार्ट करने से पहले ही बता दे रहा हूँ, आपको अगर आप फेस पे डेटॉल साबुन का इस्तेमाल करते हो तो आपको किसी भी तरह का नेगेटिव असर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आपको फायदा ही मिलेगा। और ऐसी मैं तीन आपको बातें बताऊंगा, तीन ऐसी जो बेनिफिट है मैं आपको बताऊंगा, आपको वो बेनिफिट जानने होंगे, उसके बाद अगर आपको उस तरह की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या किसी को भी प्रॉब्लम तो आप इसे इस डेटॉल साबुन को उन्हें सजेस्ट कीजिएगा। सबसे फर्स्ट है किल मुहासों की समस्या, जिन लोगों को किल मुहासे के पिंपल्स की समस्या है वो लोग डेटॉल साबुन का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि किल मुहासे की समस्या कहाँ से होती है, हमारे फेस पे जीवाणुओं की संख्या बढ़ने से। और अगर आप डेटॉल साबुन का इस्तेमाल करते हो तो उसमें एंटीसेप्टिक एसिड इस तरह के पड़े होते हैं कि उन जीवाणुओं को वहाँ से वो खत्म कर देता है और आपके किल मुहासों की समस्या भी वहाँ से धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाती है। एंड देन सेकेंड आता है हमारा ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम, जो 90% लोगों में देखने को मिलती ही है, जो अपने ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को हटाने के लिए ना जाने कौन कौन से प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें किसी भी तरह का बेनिफिट देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। वो अलग अलग तरह के स्पा में जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसे रिमूव करने के लिए अलग अलग थेरेपी का इस्तेमाल अपने चेहरे पे कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल भी उन्हें बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो दोस्तों मेरी बात सुन लीजिए, आपको कहीं से बेनिफिट अगर मिलता हो या ना मिलता हो लेकिन मेरी बात सुनो, आपको धीरे धीरे कम बजट में, जिन लोगों का बजट नहीं है धीरे धीरे अगर आपके व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स ज़्यादा हैं तो डेटॉल साबुन का इस्तेमाल कीजिए अपने फेस पे। बस क्या करना है, सुबह नहाते वक्त और दिन में जिन लोगों के ज़्यादा हैं और मतलब 24 घंटे में आपको सोने से पहले 24 घंटे में आपको तीन बार डेटॉल साबुन से आपको फेस धोना होगा, जिसके वजह से उनमें एंटीसेप्टिक एसिड आपके फेस पे बढ़ेगा और किल मुहासे जो व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स के साथ में किल मुहासे की समस्या वो तो खत्म होगी, लेकिन जो किल मुहासे खत्म होने के बाद में उनके व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स पड़ जाते हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की समस्या भी डेटॉल साबुन के इस्तेमाल करने से खत्म होती है। अब आते हैं हमारे तीसरे प्रॉब्लम की तरफ से, जो लोग अपने स्किन को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, डल कर लेते और अलग अलग केमिकल का इस्तेमाल करते अपने स्किन को ख़राब कर लेते, जिसके परिणाम स्वरूप जिसके रिजल्ट में उन्हें झाइयाँ देखने को मिलती है, जो ब्लैक ब्लैक झाइयाँ होती जैसा आपको आपको दिख ही रहा उन्हें झाइयाँ देखने को मिलती है। आप देखिए, अगर आपको झाइयाँ बिल्कुल ख़त्म करनी हो तो याद रखें आप मेडिकल जो ट्रीटमेंट होता है, जो हैवी ट्रीटमेंट होता है, जिसका बजट भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, जो हर एक लोग अचीव नहीं कर पाते हैं, इसलिए डेटॉल साबुन का आप डेली इस्तेमाल करोगे ना भाई, डेली अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको देख रहा है कि हाँ भाई मेरे फेस पे झाइयाँ की समस्या आ चुकी है तो आपको तुरंत ही डेटॉल साबुन का इस्तेमाल करना होगा अपने फेस की झाइयाँ रिमूव करने के लिए। और मेरा आपसे दावा है, अगर आपकी झाइयाँ स्टार्ट हुई हैं तो एक महीने के अंदर अंदर आपकी झाइयाँ वहाँ से रिमूव हो जाएगी, और आने वाले समय में भी झाइयाँ ना हो तो आपको डेटॉल साबुन का इस्तेमाल रेगुलरली करना होगा। अब इस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फेस पर कोई अलग साबुन का इस्तेमाल कीजिए या अपने बॉडी पर कोई अलग साबुन का इस्तेमाल कीजिए, भाई चाहे बच्चा हो, बच्चे का मतलब जैसे 5 साल या 6 साल से ऊपर का कोई बेबी है उससे ही आप डेटॉल साबुन का इस्तेमाल कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप किसी छोटे बच्चे को ही आप डेटॉल साबुन लगा दीजिए, नहीं, क्योंकि उसमें एंटीसेप्टिक एसिड ज़्यादा पड़े होते हैं जिसके कारण से बच्चों को हार्म भी कर सकते हैं।
अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप डेटॉल साबुन का इस्तेमाल डेली करते हो ना भाई, तो आपको इन तरह की तीन तरह की प्रॉब्लम से तो मुक्ति मिलती है। लेकिन जिन लोगों को इनके बॉडी में खुजली की समस्या है ना, और जिनको अलग अलग तरह की स्किन प्रॉब्लम है, वो डेटॉल साबुन का इस्तेमाल कीजिए। पूरे डेटॉल साबुन से पूरे अपनी बॉडी को नहलाइए और आप देखना भाई, बिल्कुल आपकी स्किन प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मैं दावे के साथ कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी इन तरह की प्रॉब्लमों के साथ में से गुजरना पड़ा था, इसलिए मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आपको बॉडी में खुजली है या रैशेस है, कहीं भी है भाई, कहीं भी आपका हल्के से आपको स्किन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो आपको डेटॉल साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक पूरे बताया कि आपको कौन से ऐसे मुख्य तीन बेनिफिट है जो आपको डेटॉल साबुन के इस्तेमाल करने से मिलते हैं। तो अगर आपको बेनिफिट तीनों में से कोई भी अच्छा लगता हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को भाई लाइक करके ज़रूर जाइए, क्योंकि आप लाइक तो करते ही नहीं हो भाई, अलग अलग तरह की आपके टॉपिक की वीडियो बना के देता हूँ, आप लाइक करके ज़रूर जाइएगा करिएगा, और अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट कीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, कि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसलिए ऑल की नोटिफिकेशन भी क्लिक कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों।